नमस्ते, वेलकम टू इजी सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में कैसे डेली आइटम यूसेज एंट्री करने के बारे में हम देखेंगे। कुछ प्रोडक्शन कंपनीज में रोज उपयोग करने को कुछ आइटम्स रखेंगे, वो मटेरियल फिनिश मटेरियल नहीं और रॉ मटेरियल भी नहीं है। उस तरह आइटम्स का स्टॉक ठीक से रखने के लिए डेली आइटम यूसेज स्क्रीन हमको उपयोग होता है। कॉन्ट्रैक्ट या जॉब वर्क कंपनीज में एक ऑर्डर को क्या क्या आइटम्स उपयोग करते हैं वो डिटेल्स रजिस्टर करने को भी डेली आइटम यूसेज स्क्रीन उपयोग होता है। अब हम डेली आइटम यूसेज कैसे एंट्री करने को देखना। पहले स्टॉक मेनू चलिए, इसमें आप डेली यूसेज कमांड देख सकते, वह क्लिक कीजिए। अब डेली आइटम यूसेज स्क्रीन दिखाता, हम किस डेट में डेली आइटम यूसेज एंट्री करना चाहिए उस डेट सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अगला ये आइटम कोड पूछता, रेडीमेड क्लॉथ स्टिच करना गारमेंट्स तरह कंपनीज में कपड़ा स्टिच करने को थ्रेड उपयोग करते, इसी तरह पैकिंग सेक्शन में गम उपयोग करते हैं। अब ये दो आइटम्स कैसे डेली आइटम यूसेज स्क्रीन में एंट्री करना देखेंगे। आइटम कोड में थ्रेड टाइप कीजिए, अगला आइटम नेम, आप चाहना आइटम सेलेक्ट कीजिए। अब उस आइटम का क्वांटिटी टाइप कीजिए, अगला एक सेक्शन ऑप्शन दिखाता, इसमें ऑलरेडी टाइप सेक्शन नेम्स लिस्ट में दिखाता, इसमें आप चाहना नाम सेलेक्ट कीजिए या आप नया एंट्री करना चाहिए तो यहाँ यह टाइप कीजिए। अब हम स्टिचिंग सेलेक्ट किए, अब कौन यह खरीदता या उपयोग करता उस पर्सन नाम रिसीव्ड बाय कॉलम में टाइप कीजिए, फॉर एग्जांपल सेंदिल। अगला इसमें किसी नोट्स टाइप करना चाहिए वह रिमार्क्स कॉलम में टाइप कीजिए, फॉर एग्जांपल ऑर्डर के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में खरीदना आइटम्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो रिमार्क्स कॉलम में टाइप कीजिए। यह जरूर टाइप करना की आवश्यक नहीं है। अब एंटर प्रेस कीजिए, यह अगला लाइन को आएगा। अब आप अगला आइटम एंट्री कीजिए, इसमें आइटम कोड या आइटम नेम किसी एक एंटर कीजिए। अब हम आइटम कोड ब्लैंक के छोड़ के एंटर प्रेस कीजिए, आइटम नेम में नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कैमल गम। अगला क्वांटिटी टाइप कीजिए, अगेन उस आइटम उपयोग होता सेक्शन सेलेक्ट कीजिए या आप नया चाहते तो टाइप कीजिए। अगला कॉलम में आइटम खरीदने वाला नाम टाइप कीजिए। अगला रिमार्क्स कॉलम में आप किसी नोट्स उसके बारे में टाइप करना चाहे तो टाइप कीजिए, नहीं तो ब्लैंक से छोड़ दीजिए। अगर हम सिर्फ यह दो आइटम्स ही यूसेज के उठा तो आइटम कोड और आइटम नेम ब्लैंक छोड़ के एंटर प्रेस कीजिए, यह पूछेगा आइटम सिलेक्शन खत्म हो गई। अगेन एंटर प्रेस कीजिए, ये सेव करना चाहिए से पूछेगा, अगेन एंटर प्रेस कीजिए। अब आपको सेव हो गई मैसेज दिखाता, अब आप एंटर प्रेस कीजिए, स्क्रीन रिफ्रेश होता। अब इस सेम तारीख में अगर वे दूसरा आइटम उपयोग को उठा तो अगेन उस सेम तारीख सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ऑलरेडी एंट्री किया लिस्ट यह अब दिखाता, यह एक नया लाइन में दिखाता। इसी तरह में क्या आइटम उपयोग करते, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूस उपयोग करते वह टाइप कीजिए और कंटिन्यूअली उसका क्वांटिटी टाइप कीजिए और सेव कीजिए। अब अगेन आइटम कोड और आइटम नेम ब्लैंक ही छोड़ के एंटर प्रेस कीजिए। अब क्या आइटम सिलेक्शन खत्म हो गई से पूछेगा, तब एंटर प्रेस कीजिए और सेव करने को पूछेगा, अगेन एंटर प्रेस कीजिए, सेव होना का मैसेज यह दिखाता। अब अगेन एंटर प्रेस कीजिए, स्क्रीन रिफ्रेश होता और एम्प्टी स्क्रीन दिखाता। इस डेली आइटम यूसेज एंट्री एक्सपोर्ट करने को एक्सपोर्ट एक्सेल या प्रिंट ऑन एक्सपोर्ट क्लिक कीजिए, आप एंट्री किया कंटेंट एक्सपोर्ट होता। अब हम एंट्री किया डेटा एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम फिफ्थ डेट में एंट्री किया, इसलिए डेट 5 सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब हम क्या एंट्री किया वो यहाँ दिखाता। अब एक्सपोर्ट एक्सेल क्लिक कीजिए, उस कंटेंट एक्सेल में डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता। ऐसे प्रिंट एंड एक्सपोर्ट क्लिक कीजिए, यह कंटेंट A4 शीट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता। इसमें पेज अलाइनमेंट भी आप कर सकते,
अगला यह रिपोर्ट ईमेल भेजने को ईमेल एस बटन क्लिक कीजिए और रिपोर्ट भेजिए। दूसरा फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने को यह क्लिक कीजिए, इसमें आप चाहना फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए, इस कंटेंट उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता। कॉन्ट्रैक्ट या जॉब वर्क बेस्ड कंपनीज में एक ऑर्डर को क्या क्या आइटम्स उपयोग करते हैं वो डिटेल्स रजिस्टर करने को भी डेली आइटम यूसेज स्क्रीन उपयोग होता। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। धन्यवाद।